पे पहचान हुआ है, कॉन्टेक्ट हुआ है, तब से अलग अलग स्कूलों में जाके जहाँ जहाँ जरूरत है वहाँ वहाँ हम लोग को लेके गए, और हमारा जो इच्छा है बच्चे लोग के साथ में पढ़ाई के बारे में, उसकी सुविधा के बारे में हेल्प करने के लिए, तो चंद्रेश सर ने अरविंद सर से पहचान करवाया और अरविंद सर हमें यहाँ के एनआर की प्रभुपाड़ा स्कूल में लेके आए। यहाँ एंट्री मारा ना तभी मेरे को ऐसा लग गया कि हाँ मैं स्वर्ग में आ गया हूँ। जैसे ये बच्चे लोग इतने नसीबदार है कि इतने अच्छे एटमोसफियर में पढ़ रहे हैं, आज हमको भी ऐसे एटमोसफियर में पढ़ने को मिला रहे दादा। तो बहुत अच्छे से पढ़ो, कहीं भी कुछ भी दिक्कत आएगी तो मुंबई गुजरात संगठन आपके साथ में। आपके नसीब से लास्ट टाइम जब मैं आया था तभी मैंने एक प्रॉमिस किया था, मेरे मन में रह गया था कि मैं बच्चे लोग को खाना नहीं खिला पाया। मैंने ताट तो दिया लेकिन मैंने खाना नहीं खिला पाया, तो मैंने सर को बोला था कि एक बार मेरे को बच्चे लोग को खाना खिलाना है, और नसीब से कल एक ही दिन में ये सब हो गया। केजे सोमैया के जो प्रोफेसर है प्रीतिबेन दवे, उनका फ़ोन आया कि हमारे पास में एक फ़ंड है तो हमको बच्चे लोग को कंबल देने हैं। तो बोला चलो कल का कल जा सकते हैं फ्राइडे। सर ने मेरे को बोला था कि फ्राइडे को यहाँ बाजार भी भरते हैं तो फ्राइडे का ही रखना, तो सब बच्चे आएंगे और यहाँ की आजू बाजू की पब्लिक भी आएगी। और एक ही दिन में त्रिवेदी सर ने अपनी वाइफ और बहन को सबको काम पे लगा दिया पाव भाजी बनाने के लिए, अपने लिए पाव भाजी बनने वाली है। और एक दिन में ये तीनों बच्चे लोग ने और सर ने और मैडम ने मिलके 100 कंबल लेके आए। हम लोग वहाँ से गाड़ी में कैसे कैसे बैठ के आए हैं 3 घंटे में हमको मालूम है, क्योंकि बहुत सारे दूसरे क्लोथ्स भी लाए हम लोग, बहुत सारे कपड़े भी लाए हैं यहाँ की पब्लिक के लिए। तो लेकिन एक अच्छा काम करना है, एक जो उम्मीद है बम्बई की हवा से, यहाँ की हवा इतनी सुनहरी है कि हमको लगता है कि हम लोग भी यहाँ आए, बार बार आए आए, और हो सके तो यहाँ रहे भी 1-2 दिन के लिए, बच्चों के साथ में रहे, वो लोग के साथ में खेले कूदे मजा करे। आप लोग को खूब पढ़ना है और आगे बढ़ना है, बराबर पढ़ोगे ना शाला शिकायजी ना सर ना ओके बोला। थैंक यू सो मच सर, राकेश सर आपका भी, त्रिवेदी सर आपका भी, और सर आप लोग भी बहुत अच्छे से गांव को और बच्चे लोग को संभाल रहे हैं। आंगनवाड़ी के मैडम भी बहुत अच्छे से कर रहे हैं, हर एक बच्चे को पेरेंट्स को एक अच्छा माहौल मिले और अच्छे से पढ़े, कहीं कुछ तकलीफ नहीं हो वो हम देखने के लिए तैयार है। उसके लिए सबका साथ और सहयोग, सहयोग टीम को मैं बोलूँगा कि कुछ सागर के कुछ कुछ बोले।